हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे देतीमन। यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई है, दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से, और काफी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। एक लंबी लिस्ट जो है वैकेंसी की आपको नजर आएगी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। आप लोग अपना सब्जेक्ट देखिए, और यहाँ पर यदि आप लोग जॉब करते हैं सैलरी काफी अच्छी मिलती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में सैलरी जो है 40,000 से स्टार्ट होती है, 80,000 तक जाती है। तो चलिए डिटेल जो है वो हम देख लेते हैं। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे डीपीएस 122 नोएडा, तो आप लोगों के सामने जो है ये स्कूल की जो मेन वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। यहां पर आप लोगों को वैकेंसी वैकेंसी सेक्शन नजर आ रहा है, और सेशन 2024-25 के लिए यहां पर भर्ती की जाएगी। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं ताकि सारी चीजें डिटेल में देख सकें जो भी स्कूल के द्वारा मेन वेबसाइट पर डाली गई है। तो ये पेज ओपन हो गया, वैकेंसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 122 नोएडा, टेलीफोन नंबर भी दिया है। जॉब लोकेशन जो है वो नोएडा रहने वाली है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर आप लिस्ट देखें तो सभी सब्जेक्ट आपको नजर आएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम सभी बच्चों के सब्जेक्ट मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है ये नहीं कहा गया है कि 50% मार्क्स जो है वो आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो सबसे पहले टीजीटी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एमएससी प्लस बीएड मांगा गया है। टीजीटी सोशल साइंस या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी में एमए बीएड, टीजीटी इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश में और बीएड होना चाहिए, टीजीटी हिंदी के लिए एमए इन हिंदी प्लस बीएड, टीजीटी मैथ में एमए या एमएससी मैथ्स में और बीएड चाहिए, पीआरटी साइंस के लिए बीएससी, एमएससी और बीएड, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर सोशल साइंस के लिए बीए, एमए और बीएड मांगा गया है, पीआरटी ईवीएस के लिए बीएससी या बीए बीएड, पीआरटी इंग्लिश के लिए एमए इन इंग्लिश और बीएड, पीआरटी हिंदी के लिए बीए इन हिंदी प्लस बीएड। तो देखिए सारे सब्जेक्ट आ ही गए यहाँ पर, और कोई भी आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि 50% मार्क्स जो है वो चाहिए, आपने बस ये कंप्लीट किया हो। पीआरटी मैथ्स में बीए या बीएससी इन मैथ प्लस बीएड, पीआरटी संस्कृत में बीए इन संस्कृत प्लस बीएड, पीआरटी फ्रेंच की है, जर्मन की है वैकेंसी, पीआरटी जनरल में जो है किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है प्लस बीएड। नर्सरी टीचर्स के लिए यहाँ पर एनटीटी मांगा गया है ग्रेजुएशन के साथ में, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, एनटीटी कोर्स अगर कंप्लीट किया है या बीलेड आपने किया है तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म वही फिल कर सकते हैं जिनके पास फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन, यानी 60% मार्क्स से अधिक या उससे कम है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपका किसी भी रिप्यूटेड पब्लिक स्कूल का होना चाहिए। सीटेट या टेट जो है वो आपने क्वालिफाई किया हो पोस्ट नंबर 1 से लेकर 15 तक, यानी ये जो आपके पास टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 15 तक, पीआरटी जनरल तक जो सब्जेक्ट दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर सीटेट मांगा गया है, या फिर आपके पास कोई स्टेट टेट हो, आपके राज्य का टेट, ठीक है, राजस्थान में रीट चलता है, और जो है कोई भी टेट आपके पास होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज कंपल्सरी, तो बेसिक नॉलेज तो सभी को ही होती है, आज के टाइम में जो है सभी कंप्यूटर कोर्स जो है वो करते ही है। यहाँ पर लिखा है आगे ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको, फॉर्म्स कैन बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन फीस, फीस ज्यादा नहीं है, 200 रुपए है, एंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके भरने के बाद आप लोग प्रिंट आउट जरूर निकालें, अलोंग विद द रिसिप्ट टू द सबमिटेड एट द रिसेप्शन ऑफ डीपीएस सेक्टर 122 नोएडा। ऑनलाइन फॉर्म कैन बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस 200 एंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिसिप्ट टू बी सबमिटेड एट द रिसेप्शन ऑफ डीपीएस सेक्टर 122 नोएडा। तो ये दोबारा बता दिया है, ऑफलाइन पीडीएफ के लिए फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही भरे जाएंगे। तो मैंने अभी जो है बताया था कि ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऐसा नहीं है, ऑफलाइन भी जो है भरा जाएगा। फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फिल्ड एंड डिपॉजिट अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट 200, अगर आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम है तो आप लोग ऑफलाइन भरें, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसको फिल कर लें, और 200 रुपए का जो है डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनवा लें डीपीएस सेक्टर 122 नोएडा के नाम से। क्लिक हेयर टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीएफ, तो यहाँ पर जो है क्लिक करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए और आई एग्री, ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म रहा, इसको आप फिल कर लेंगे, और ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 200 रुपये ही जो है आपके यहाँ पर लग रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी है, बाकी एज जो है यहाँ पर नहीं लिखी गई है,
कि जो है कितनी एज जो है यहाँ पर कही गई है, एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है 5 साल का। ठीक है, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो जरूर फॉर्म फिल करें, काफी सब्जेक्ट हैं और इतने ज्यादा सब्जेक्ट जो है वो हर स्कूल से देखने को नहीं मिलते हैं। सैलरी काफी अच्छी मिलती है, दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो चलिए ऐसी ही वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।